आइए आइए। एक दो तीन चार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे ये कोई मिरेकल नहीं है, आजकल देश में यही चल रहा है। अब की बार 400 पार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये क्या बात करता है यार। ठीक है तो बोल रहा है जी, दरअसल पीएम मोदी दुबई पहुंचे, जिसके बाद भारतीयों से मुलाकात की, और अब इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग कैसे पीएम मोदी को देखने के बाद नारे लगाने लगते हैं, अब की बार 400 पार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब इस वीडियो को देखकर बीजेपी नेता गदगद हो चुके हैं, तो वही कुछ लोग पीएम मोदी की इस वीडियो पर कटाक्ष कर रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। तो इसी पे कॉमेडियन भगत राम लिखते हैं, हमें तो इन बेचारे एनआरआईयों पे तरस आता है कि मोदी जी का बस 2-4 मिनट का ही मजा ले पाते हैं, हमारी तरह पूरी जिंदगी वाला मजा नहीं ले पाते हैं, काश ये भी ले पाते और ये भी कर पाते, आह मोदी जी, वाह मोदी जी। समझ रहे हो, बड़ा हरामी हो बेटा। तो सोहित मिश्रा लिखते हैं, ये अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले लोग वही हैं जिन्हें भारत में सही नौकरी या सही जीवन नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्होंने विदेश जाकर काम करने रहने का फैसला किया, रह रहे हैं वो दूसरे देशों में और बात कर रहे हैं भारत में 400 पार की। इन सभी से कहना चाहिए कि 9 साल से मोदी सरकार भारत में मौजूद है, सब कुछ छोड़कर वतन लौटा है। हे हिम्मत, बोल, आएगा आएगा। ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। बस हवा निकल गई। तो वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने केवल बाहर जाकर शादी नहीं करने की अपील की है, देश का पैसा बाहर जा रहा है उनकी नहीं चिंता है, उन्होंने बाहर जाकर पढ़ने और कमाने पर कुछ नहीं कहा, शायद उन्हें पता है कि भारत की यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुकी है, वे अपील करेंगे तो भी बच्चे बाहर जाएंगे, माँ बाप को पता है क्या कि पढ़ाई की क्या हालत है, रही बात यहाँ नौकरी और कमाई की तो सबको पता है, बाकी इन लोगों को स्वागत में आना ही है, दूतावास से बहुत काम रहता है, क्या करेंगे, पता है ना आप सबको नहीं। वैसे आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।